ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 38 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, बाय डिफॉल्ट सॉलिड स्फीयर होता है जो कि 2/5 mr² है, अबाउट इट्स डायमीटर। देखो सॉलिड स्फीयर 3D बॉडी है, आप कोई भी एक्सिस अगर डायमीटर में से पास करोगे उसका सेंटर एक्सिस ही होगा, सेंटर एक्सिस और डायमीटर एक ही बात है। 2/5 mr² की वैल्यू कितनी है इसमें, 20, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, mr². व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट। अब टेंजेंट में हमने क्या किया था, 2/5 पैरेलल एक्सिस से 2/5 mr² प्लस mr², जो कि क्या आएगा 7/5 mr², mr² की वैल्यू कितनी है इसमें, 50, आंसर क्या आएगा 70। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि कैसे करना है इसमें, तो ये आपको गिवन है और ये आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डिस्क हैं, एक की डेंसिटी रो वन है एक की रो टू है, सेम मास एंड थिकनेस, आज हमने किया था शॉर्टकट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो क्या होगी, प्रूफ तो कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो सीधा एक स्टेप में आंसर आएगा 8.9/7.2, कुछ करना ही नहीं है, शॉर्टकट। तो नेक्स्ट है, ये नहीं करना अभी, किया नहीं हमने ये। फोर्थ, दो सर्कुलर डिस्क हैं फिर से ए एंड बी, और इक्वल मास एंड थिकनेस है, पर डेंसिटी ए की ज्यादा है एक बी की कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा किसका कम, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो अगर आपकी डेंसिटी ए की बड़ी है बी से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का छोटा है बी से, उल्टा रिलेशन हो जाएगा इनवर्सली में आंसर। तो आज हमने जो जो शुरू का लेक्चर किया उसमें काफी कुछ हिंट्स मैंने दे दिए थे, तो समझ में आ रहा है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कर लिया था हमने, चार स्फीयर वाला, याद करो चार स्फीयर और एक्सिस यहां से पास कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा लास्ट लेक्चर का, ये आज हमने क्वेश्चन कर लिया जब आप स्टार्ट किया था, यहीं से स्टार्ट किया तीन डिस्क वाला ये क्वेश्चन करो। तो इसके अंदर एक सर्कुलर डिस्क है ए जिसका रेडियस आर है एंड थिकनेस टी है, एक और सर्कुलर प्लेट है, देखो सर्कुलर डिस्क है और जिसका रेडियस इसमें 4r है और थिकनेस भी अलग है t/4, शॉर्टकट में लाना डेंसिटी वाला है इसमें। द रिलेशन बिटवीन मोमेंट और इनर्शिया क्या होगा, अब मोमेंट और इनर्शिया दोनों डिस्क का क्या होगा, 1/2 mr², मास m1 m2 है, रेडियस r और 4r है। अब मास क्या होगा पहले डिस्क का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डिस्क का वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू थिकनेस, ठीक, इंटू डेंसिटी, नीचे वाली का भी एरिया इंटू थिकनेस, तो थिकनेस ए की टी, ए के टी बाई फोर, रेडियस ए का आर, ए का 4r, तो डेंसिटी तो इसमें गिवन ही है रो एंड रो, सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके आई ए बाई आई बी की रेशियो क्या आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे लेस देन 1 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर छोटा होगा, तो आई ए लेस देन आई बी इज द आंसर, आई ए की वैल्यू आई बी से कम आएगी, ठीक है यहां तक। ठीक, ये क्वेश्चन आज हमने किया, डायग्राम थोड़ा अलग मतलब फीका है, ये मैंने अलग से बना दिया, आज हमने स्क्वायर में किया, इसे रेक्टेंगल में पूछ लिया, कि आपको ये पूछा गया कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये एक्सिस है, एक्सिस में ये आई का फॉर्मूला है, अगर कोई एक्सिस एज से पास कर रहा है, एज से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट, तो एक्सिस ये होगा, दोनों एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये a बाई टू है आधा, ये b बाई टू है, तो पाइथागोरस लगा के वैल्यू आ गई, तो इसमें i की क्या वैल्यू होगी, ये तो होगी होगी प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर भी होगा आंसर, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, टेंथ क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ फ्लाई व्हील इज इंक्रीज बाय 1%, तो परसेंटेज इंक्रीज इन डायमीटर गिवन है, यानी कि डेल्टा डी बाई डी इंटू 101% है, तो रेडियस का भी सेम रेशियो है, क्योंकि डायमीटर रेडियस वही की बात है, अगर डायमीटर बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा है, तो रेडियस का भी सेम रेशियो होगा, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज 1%, तो डायमीटर का परसेंटेज इंक्रीज 1%, तो रेडियस का भी 1% है, तो आपको क्या गिवन है, फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील क्या होता है, रिंग होता है, तो आपको इस रिंग का परसेंटेज मोमेंट इनर्शिया कितना चेंज हुआ ये बताना है। अब आई का फॉर्मूला होता क्या है, एम आर स्क्वायर, एरर का रूल याद है, परसेंटेज निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्पेशली प्रोजेक्टर में भी किया था, डेल्टा आई बाई आई, मास तो कांस्टेंट है तो इसमें कोई एरर तो होगा नहीं, मतलब चेंज नहीं होगा, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस 1% है, तो मोमेंट इनर्शिया अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 2%, याद आ रहा है मेथड किया था, तो ये मेथड अप्रॉक्सीमेट मेथड मैंने बताया था, पर हाँ इसमें अप्रॉक्सीमेट मेथड चल रहा है, चलेगा 2% के आसपास आंसर आएगा, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ पर कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आज मैंने आपको करवा दिया था, डिस्क पड़ी हुई है, सिक्स्थ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर हैज अ रेडियस आर एंड लेंथ एल, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू द सर्कुलर फेस, अब ये क्या होता है अभी सर्कुलर फेस, अगर ये सिलेंडर है साइड पे इसका सर्कुलर फेस है, इसका नॉर्मल क्या होगा, यहाँ से जाएगा, तो यानी कि ये सिलेंडर ऐसे घूमेगा, तो अगर एक्सिस ऐसे है तो नॉर्मल टू द सर्कुलर फेस है, तो फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, हाफ एम आर स्क्वायर is equal to moment inertia of same cylinder about an axis passing through its center and normal to the length, ये लंबाई length है, इसका normal क्या हुआ, ये हुआ, तो हमने cylinder के दो formulas किए थे, एक जब cylinder ऐसे घूमता है तो axis ये रहा, दूसरा जब cylinder ऐसे घूमता है axis ये रहा, वो कह रहे moment inertia दोनों का exactly same है, एक का ये formula था दूसरे का ये formula है, solve करें, solve करके answer L और R का radius निकाल लें, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, याद है आज किया था, कराया था ये सेम क्वेश्चन 3/4, ये आज करवाया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एल ये भी हो गया, ठीक है।